हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? वेलकम टू योर केके फॉर ऑफिस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, सीबीएसई 2023 क्लास 10th एंड 12th वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और उनको पता होगा कि उनके साथ कितना धोखा हो रहा है। कोई चैनल बोल रहा है कि रिजल्ट आ चुका है, कोई चैनल बोल रहा है कि रिजल्ट निकल चुका है, कोई चैनल बोल रहा है कि नोटिफिकेशन निकल चुका है और 11 तारीख को रिजल्ट आएगा। ये काफी जो बातें हो रही हैं यूट्यूब पे, ये गलत हो रही है। तो मुझे लगा कि आप लोगों को कंफर्म करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, सर ये जो अपडेट आ रहा है क्या वो सही है, रिजल्ट कब तक आएगा? तो देखो फ्रेंड, आपको जो भी एग्ज़ाम होता है सीबीएसई का, उसके 40-45 डेज के बाद ही रिजल्ट आता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अप्रॉक्स 22 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, तो प्लीज़ इसमें टाइम लगता है। और कुछ कल यानी आपको एक अपडेट आया है सीबीएसई का, जो उसने बताया है कि आपको मार्कशीट और जो भी पासिंग सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, वो आप डिजी लॉकर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे आपको अपना डिजी लॉकर को कंफर्मेशन एक्सेस करना है, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट निकलेगा तो ये आपका वहाँ पे आप डायरेक्टली अपडेट डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड। और एक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को एक नोटिफिकेशन गया होगा कुछ चैनल ने, तो उस नोटिफिकेशन को सही बता के बिल्कुल एक्सप्लेन भी कर दिया है, और वो फेक नोटिफिकेशन है, पता नहीं किसने बनाया है। तो वो फेक नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा दूं, आई थिंक ये है फेक नोटिफिकेशन। इसने 9/5/9/5 को क्या किया, इन्होंने दिखा दिया बहुत सफाई से, 9/5 का नोटिफिकेशन है, रिजल्ट इज ऑन नेट, और ये बोल क्या रहा है 11/5/2023 को रिजल्ट निकलेगा। तो ये अपडेट आया, तो ये फ्रेंड जो भी है ये फेक अपडेट है, आपको मैं बता दूं फेक अपडेट है। प्लीज आप लोग बी केयरफुल रहिए, और रिजल्ट मैंने बोला है 15 मई के आसपास रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये टाइम लगता है इसमें फ्रेंड। तो आप लोग प्लीज इस फेक नोटिफिकेशन से बच के रहिए। एक्चुअली जो भी वेबसाइट है वगैरह वो सही है, लेकिन जो इसने डेट लिखा है 9/5/11/5 को, ये सीबीएसई का ऑथराइज अपडेट नहीं है। तो आपको अब मैं लेके चलता हूं फ्रेंड कि आपका क्या है रिजल्ट का जो अपडेट है। सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि आप लोग जो भी रिजल्ट अपना चेक करेंगे तो कहां पे चेक करेंगे, तो मैं बता दूं कौन सा लिंक है जहां पे आपको कहीं किसी से बात करने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आप फटाफट इस लिंक को आप अपने पास रखिए और चेक कीजिए वहां पे। तो इस सबके बारे में डिस्कस करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको डिजी लॉकर पे कंफर्मेशन एक्सेस अप्रूव करना है, स्कूल से कैसे हेल्प लेना है, और जो भी फॉरेन के स्टूडेंट्स है वो कैसे करेंगे, तो ये सारे इस वीडियो में हम अंत तक आपको बता देंगे। तो जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बटन दबा दीजिए, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे फ्रेंड। तो सबसे पहले आपको results.cbse.nic.in पे जाना है, क्लियर? और यहाँ पे आपको अपडेट मिलेगा यहाँ पे, ओके फ्रेंड, यहाँ पे अपडेट मिलेगा। जैसे कि आपका रिजल्ट आया था कंपार्टमेंट का 2022 का, तो यहाँ पे ये, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, तो क्लिक करने के बाद आपके पास ये अपडेट आएगा। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप दूसरे पेज पे जाइएगा, और यहाँ पे आपको इंटर योर रोल नंबर, स्कूल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एडमिट कार्ड आईडी इसमें पुट करना है, क्योंकि ये 2022 का है, 10th का है, क्लियर? तो इस तरह से आप इस लिंक को नोट कर लीजिए और वहां से आप चेक कीजिएगा फ्रेंड। और एक सीबीएसई ने एक अपडेट दिया है, आपको मैं बताते चलूं ये अपडेट क्या था। और ये जो चैनल है यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट, वेयर इज द अपडेट, ओके यस। तो ये एक सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन डाला है, आप लोगों ने देख लिया होगा, जो बच्चे नहीं देखे हैं तो इसका मीनिंग क्या है ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहा है कि डिजी लॉकर पे आपको बोल रहा है कि पहले से आप अपना अकाउंट कंफर्म कर लीजिए। तो सिक्योरिटी पिन, यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन है आपको जनरेट करना है फ्रेंड, क्लियर? एक सेकेंड, सिक्योरिटी पिन आपको जनरेट करना है। ये क्या बला है, ये क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये सिक्योरिटी पिन आपको फॉर डिजी लॉकर अकाउंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स टू एक्सेस देयर डिजिटल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये सर्कुलर है, इसके बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे।
तो आते हैं फटाफट बिना देरी किए हुए। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके तो बच्चों आप लोग परेशान मत रहिए। तो सबसे पहले इन्होंने जो अपडेट किया है मैं आपको बताते चलूं। बैक स्टेज पे जाता हूं मैं। मैंने दो तीन डॉक्यूमेंट ओपन किया है, प्लीज आप लोग देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, वेयर इज द राइट डॉक्यूमेंट। ओके ओके यस ओके। तो ये आपका सर्कुलर है, ये 10/5/2023 का सर्कुलर है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा दोस्त। तो इसमें करना क्या है, इसमें आपको 6-डिजिट पिन एक्टिवेट करना है। ओके ये 6-डिजिट पिन कहां से मिलेगा, मोटा मोटी आप समझ लीजिए, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 6 पिन आपको स्कूल से मैसेज आ जाएगा और आप अपना स्कूल से ये पिन लेके अपना डिजी लॉकर पे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये अगर पिन आपको स्कूल से नहीं मिला है मैसेज के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू, तो आप लोग स्कूल में कांटेक्ट कर सकते हैं, तभी जाके आपका मार्कशीट डाउनलोड होगा। क्लियर। तो ये इसने बताया है और इसमें कुछ नहीं है, तो इसमें इन्होंने बता दिया। अब बात आती है कि हमको कैसे स्टेप करना है। तो ये आपको cbsedigilocker.gov.in पब्लिक AUTH लॉगिन पे जाके आप देखिएगा, तो परिणाम मंजूषा करके एक साइट खुलेगा। और ये साइट किसके लिए है, ये साइट स्कूल वाले के लिए बोला गया है। स्कूल वाले अपना यूजर नेम पासवर्ड और यहाँ पे जो भी स्कूल वाले हैं वो चेक कर सकते हैं और यहाँ पिन कोड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। और ये डाउनलोड 16 डिजिट ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स करके डाउनलोड कर लेंगे और आपको वो मैसेज कर देंगे। तो ये स्कूल का काम है, ये आपका काम नहीं है फ्रेंड। अब बात आती है हमें हमें क्या करना है। तो सबसे पहले आपको आपको करना क्या है, गाइडलाइन फॉर आउटसाइड स्टूडेंट्स, ये हो गया। एक इन्होंने अपडेट किया है कि कैसे आपको स्टेप्स बताया है कैसे आप डिजी लॉकर पे अपना अकाउंट कंफर्म करेंगे। तो इसमें करना क्या है, स्टेप्स है, मैं आपको जरा आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो, क्योंकि रिजल्ट आने जल्द कभी भी आ सकता है। ओके क्योंकि इसने लिख दिया है रिजल्ट कमिंग सून। ओके तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप्स क्या है, स्टूडेंट्स कैन विजिट URL cbseservices.digilocker.gov.in एक्टिवेट CBSE फॉर इंटीमेशन। ओके ये करिएगा तो आपका ये विंडो खुलेगा, ये विंडो खुलेगा, यहाँ पे गेट स्टार्टर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये आएगा, स्कूल कोड आपको डाल देना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है 10th के हैं, 10th सिलेक्ट कर लीजिएगा। वन सेकेंड, अगर आप 10th के हैं 10th सेलेक्ट कर लेना है, 12th के हैं तो 12th सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके 10th सेलेक्ट कर लीजिएगा या फिर 12th, यहाँ पे स्कूल कोड डाल देना है, ये रोल नंबर अपना डाल देना है और ये 6-डिजिट पिन जो है ये आपको स्कूल से मिलेगा, ये स्कूल से लेके आप इसको लॉगिन नेक्स्ट करके लॉगिन कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्लियर। तो हम आते हैं पॉइंट पे। ओके तो ये आपका हो गया पॉइंट, जब ये आपका हो जाएगा तो आपका डिजी लॉकर अकाउंट कंफर्मेशन आ जाएगा। ये एक सैंपल दिया हुआ CBSE के द्वारा, याशी गुप्ता फीमेल जेंडर, और यहाँ पे आपको क्या करना है, फोन नंबर यहाँ पुट कर देना है, वेरिफिकेशन योर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है। ओके और फिर सबमिट कर देना है। फिर आपको OTP आएगा, OTP यहाँ पे इंटर OTP यहाँ पे क्लिक कर देना है फ्रेंड। क्लियर और सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पे इस तरह से मैसेज आएगा, डिजी लॉकर अकाउंट कंफर्मेशन, ये ग्रीन साइन आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज आ जाएगा, गो टू डिजिटल अकाउंट पे आप जाइएगा और यहाँ पे आपको ऐसे ही गो टू डिजिटल अकाउंट पे जाइएगा तो फ्रेंड ये आपको यहाँ पे ये पेज खुलेगा और यहाँ पे होम के नीचे लेफ्ट साइड में इशू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट, आपको मार्कशीट, उसके बाद से प्रोविजनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट सब यहाँ पे मिल जाएगा, आप सिंपली डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये स्टेप था जो CBSE बोर्ड ने बताया है। ओके अब बात आती है, इसको हम अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा फ्रेंड, एक सेकेंड, ये आपका CBSE रिजल्ट 2023 कमिंग सून यहाँ दिखा रहा है, 10th and 12th, एक्टिवेट योर डिजिटल डिजी लॉकर अकाउंट नाउ, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको
यही वाला जो मैंने आपको बताया है, ये पेज खुलेगा, गेट स्टार्ट पे कीजिए, कंफर्मेशन कीजिएगा, यहाँ पे स्कूल कोड, रोल नंबर और 6 digit PIN नंबर मिलेगा, यहाँ पे करके नेक्स्ट कर देना है। और सेम आपको एक फोन नंबर डालना है, आपका नाम और वो आ जाएगा, आपको फोन नंबर डाल देना है और अपना डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर देना है, OTP आएगा, OTP पुट कर देना है। तो इस तरह से आपका कंफर्मेशन में मैसेज आ जाएगा, ओके, और आप अपना डॉक्यूमेंट रिजल्ट निकलने को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका CBSE ने अपडेट कर दिया, तो ये किसी भी टाइम रिजल्ट आ सकता है। आज थर्सडे है तो ये अपडेट आ चुका है, तो मे बी 15 मई के पहले या 15 मई के बाद 15-20 के बीच में आ सकता है। तो आई थिंक लेट नहीं होगा अब, क्योंकि स्कूल को पहले डाउनलोड करना है, सारे जो भी उनको यूजर आईडी से डाउनलोड करना है अपना पिन, और सबको वो भेजेंगे, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्लियर, तभी जाके ये रिजल्ट डिक्लेयर होगा, थोड़ा सा टाइम लेने वाला है CBSE। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे परेशान हो रहे हैं तो प्लीज जो मैंने बताया है वेबसाइट, उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं और आराम से अपनी पढ़ाई को आगे कर सकते हैं बिना डेविएट हुए है। क्लियर। तो ये वीडियो लाने का यही मेरा मकसद था कि आप लोग परेशान मत होइए और घबराइए मत, आप लोग का रिजल्ट अच्छा आएगा, ग्रेस मार्क्स से आप लोग पास हो जाइएगा। बहुत सारे बच्चे का नंबर कम आ रहा है जैसा कि उनको लग रहा है, बट ऐसा लगता है आपने लिखा है तो वो नंबर मिलेगा, सो डोंट वरी। और जो बच्चे 10th में है वो 11th में आएंगे, जो 12th में है वो आगे की तैयारी करेंगे। तो जो भी अगर डाउट है, और इसके बाद इम्प्रूवमेंट का भी आपको रिजल्ट निकलने के बाद इम्प्रूवमेंट का भी एग्जाम होगा, कंपार्टमेंट का भी एग्जाम होगा, परेशान मत होइए, आपके पास ऑप्शन अभी बहुत सारे ऑप्शन है, क्लियर। तो बिल्कुल घबराइए मत, और जो भी पढ़ाई कर रहे हैं आगे की वो स्टार्ट कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो अपने सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर बटन दबा दिए, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलता रहे, और ये सही न्यूज यहाँ मिलता है, कोई फेक न्यूज नहीं, कोई बकवास नहीं, बल्कि काम की बात है, ओके। प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।